जी विपत्ति आए तो सदगुरु कहते हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, गुरु कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति भी संपत्ति हमें शिक्षा देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखना, जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरणागति। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में। जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूं आज की चर्चा में, आपको एक बार सोचना चाहिए तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर हो। आज का विचार, सुबह बैठे बैठे पता नहीं, ये भी बड़ी लपड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है, कई बार गड़बड़ बता दो आफत हो जाती है। हाँ बता दो कि भाई हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं दूर से, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार। ये बैठे हैं हमारे भ्राता श्री बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिता तार गर्ग जी, हमारे चाचा जी सगे एक गांव में। हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु भी छू ना पाए, ये लगे चले के छू ना पाए लोग, इसी में चमत्कार। खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार। तो हम आज बहुत लेट तक आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें विचार करना चाहिए तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है। तुम्हें विचार करना चाहिए तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाए, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रखे बाबा बनना है या बैरागी बनना, हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं वैरागी बनाएंगे। तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए गुरु तुम्हें खोजता आवे, जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहाँ है? सब आएंगे राम, सबरी निहारे राम, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी आए तुम्हारे घर नहीं आएंगे। सबसे पहले चुप रहो, न फलाहारी के घर आएंगे न जलाहारी की झोपड़ी में। राम अगर बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। क्यों? मैं पयाहारी हूं, केवल दूध पी के रहता हूं। तब चौथा महात्मा बोले चुप रहो, तुम तीनों की झोपड़ी में नहीं आए, मेरी झोपड़ी में पहले राम आए। क्यों? न मैं फलाहारी हूं ना दूधाहारी न पयाहारी, ना मैं जलाहारी ना पयाहारी ना फलाहारी, मैं पवनाहारी हूं, केवल हवा लेता हूं। राम आएंगे सबसे पहले मेरी झोपड़ी में आएंगे। बस माई बाप